पेपर वाला के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे साथ योग गुरु सीमा कासलीवाल हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि योगा है क्या और ये दूसरी एक्सरसाइज से अलग कैसे है? योग का शाब्दिक अर्थ है योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब अपने विचारों को रोकना ही योग है। ओके। योग कर्म से कौशल, मतलब कोई भी कार्य को आप अगर कुशलता से करते हैं तो योग है। योग के अंदर जाने के बाद हम योग का बेसिक तात्पर्य है कि अपना शरीर मन और आत्मा को एक लाइन में बनाना और हम अपने को अपने आप से मिलाना। आपका कहना है कि योग का तात्पर्य है कि आत्मा और शरीर और आत्मा को एक साथ लाना है, मतलब कि आपने इंद्रियों पर जीत कर लिया, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया और जब आपने काबू कर लिया तो आप बहुत ऊपर उठ गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो कईयों को रहता है ना कि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं कैसे करूँ योगा, तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है बॉडी में तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें योगा शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रयास अभ्यास करते करते ही हमें महारत हासिल होती है। तो फर्स्ट डे आप सामने वाले से बेहतर नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे हम शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर 8 दिन में ही जो पहले थे उससे काफी लचीलापन आ गया है। फिर धीरे धीरे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने करते 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 आपका शरीर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता है। पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम योगा नहीं करें, बल्कि करने के लिए ही हमें इसे शुरू करना है। तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। कल मेरी काफी फ्रेंड्स ने मुझे लिखकर रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने बताया था मैंने उनको कि कल आपके साथ लाइव होगा, तो उन्होंने बहुत मतलब ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा कि प्लीज पूछो कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी में, इतना नहीं हो पाता, योगा शुरू कीजिए, कल करें सो आज करें, आज करें। और उनका ये भी पूछना था कि अगर जैसे कई बार होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण आप उस पोज पर नहीं पहुंच पाते हो जो पोज आपको चाहिए। हम इसमें ये नहीं कहते हमें कि हर इंसान को बिल्कुल अंगूठा छूना ही चाहिए, जितना आपसे बेंड होते बनाए, धीरे 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 एक दिन आएगा कि आप अपने पाँव का अंगूठा छू सकते हैं। पर लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर होना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रयास करते रहो कि हम डेली थोड़ा सा आगे बढ़े, डेली थोड़ा सा आगे बढ़े, तो धीरे धीरे करते आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच जाएंगे। सीमा जी, मुझे ये बताइए कि आजकल इतनी लाइफ हमारी चेंज हो चुकी है, हम चाहकर भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके हिसाब से कितने दिन, अगर हम वीक में रोज हम नहीं कर पा रहे हैं योगा या मेडिटेशन रोज नहीं कर पा रहे हैं प्राणायाम, तो हमें वीक में एटलीस्ट कितने दिन हमें योग करना चाहिए कि जिससे हमको उसका पूरा प्रॉपर लाभ मिल सके? योग का हमें जरूरी नहीं कि पूरा हफ्ता योग करें, क्योंकि आजकल हमें पॉसिबल नहीं है। हम एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आप योगा करें, 2 दिन आप कुछ दूसरा वर्कआउट करें, जैसे आप वॉकिंग कर लीजिए, आप जॉगिंग कर लीजिए, आप स्विमिंग कर लीजिए। योगा आप मंडे टू फ्राइडे, आप हफ्ते में अगर 5 दिन भी करते हैं जिसके अंदर पूरे आसन प्राणायाम मेडिटेशन आता है, तो भी पर्याप्त है। सर, मैं इसमें एक बात पूछना चाहूंगी कि योगा का ही एक रूप मेडिटेशन भी है? योग के बाद ही, योग के अंदर, योग तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो आसन के बाद प्राणायाम आता है, प्राणायाम के पास ध्यान आता है। हम आसन इसीलिए करते हैं कि ताकि हम ध्यान के अवस्था में आराम से बिना तकलीफ के हम लंबी देर तक बैठ सके, इसलिए हम आसन करते हैं, ताकि शरीर लचीला हो, ताकि आपका मन आपका दिमाग उस शरीर में नहीं जाए, आपके उस ध्यान में जाए जहां आप कर रहे हो। अदरवाइज हमारे शरीर में इतना दर्द होते रहता है कि हम सुखासन में बैठ नहीं पाते, कभी ये पाव हो रहा है, ये पाव बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे को भी शुरू शुरू में अगर मैं गैप हो जाता है करने में, तो बाद में जब मैं करती हूँ, इवन मेरा 15 दिन का भी गैप हो जाए तो मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं हम नहीं बैठ, हाँ प्रॉब्लम होती है। इसी बीच आपने मेडिटेशन की बात करी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सीमा जी स्माइल मेडिटेशन की भी गुरु हैं, हम उनके साथ जल्द ही स्माइल मेडिटेशन के लिए भी जल्दी ही आपके सामने आएंगे, और इसी सिलसिले में, मेडिटेशन के सिलसिले में, हम पेपर वाला एक 3 दिन का मेडिटेशन रागिनी माथुर के साथ लेके आ रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे शाम को 6:30 बजे से,
तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। चलिए वापस हम बात करते हैं योगा और मेडिटेशन की। तो मुझे एक बात बताएं कि पावर योगा जो आजकल बहुत क्रॉपअप हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं मैं पावर योगा कर रही हूँ, मैं पावर योगा, और नॉर्मल योग में क्या अंतर है? देखो पावर योगा, नॉर्मल योगा में पावर मतलब एक पावर के साथ किया जाता है जिसमें हम रुकते नहीं है, कंटिन्यूएशन में हम करते रहते हैं। Okay. क्योंकि हमें क्या करना होता है, शरीर की एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। uh-huh. और नॉर्मल योगा में हम एक आसन के बाद रिलैक्सेशन, शवासन, और बहुत स्लो प्रोसेस में हम करते हैं। पर पावर योगा में हम रुकते नहीं है, पावर के साथ करते हैं, कंटिन्यूस ब्रीथ के साथ करते हैं। पर एक पावर के साथ करना ही पावर योगा है, उसमें भी वही आसन होते हैं जो नॉर्मल योगा में करते हैं, पर एक पावर के साथ विदाउट ब्रेक के साथ, जिसमें हमारा कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। यंग जनरेशन के लिए पावर योगा बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल सब लोग योग इसलिए करना चाहते हैं कि उनको बस वेट लॉस चाहिए, बाकी उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है। तो नॉर्मल योगा से उन्हें लगता है कि हमारा वेट लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल योगा में बहुत स्लो प्रोसेस में हम अगर कर रहे हैं तो वेट लॉस में आपको इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो आपको अगर पावर के साथ कर रहे हैं विदाउट एनी रिलैक्सेशन के साथ, सिर्फ लास्ट में शवासन करते हैं, तो आप कंटिन्यूअस 1 आवर विदाउट एनी ब्रेक हम कर रहे हैं, दैट इज पावर। ओके, दैट इज पावर योगा। तो मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि अगर हम लोग एक्सरसाइजेस में करते हैं, कार्डियो कर लिया हमने या स्किपिंग कर ली, तो अगर हम योगा कर रहे हैं तो फिर हमको कार्डियो की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? मेरे ख्याल से पावर योगा अगर कर रहे हैं इसके अंदर, हां हां, इसी के अंदर सब चीजें आती हैं, तो फास्ट भी होता होगा। हाँ, फास्ट भी होता है, अलग से आपको करना नहीं है, इसके अंदर ही हम कार्डियो योगा में सब ऐड करते हैं, आपको अलग से नहीं करना पड़ती है। योगा का यही फायदा है कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट, आपके इसे इसके अंदर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट दिस इंस्ट्रूमेंट हम सारे कार्डियक एक्सरसाइज भी हम योगा के थ्रू कर सकते हैं। बहुत अच्छा सीमा जी, शायद हमारे दर्शकों को अपने जवाब मिल रहे होंगे। और साथ ही मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे मैं, मुझे भी कभी कभी डिजीनेस की फील होती है, योगा कर रही हूँ मैं तो मुझे डिजीनेस फील होती है, ऐसा क्यों होता है? और भी कई लोगों ने मुझे बोला कि तो योगा करते हैं तो डिजीनेस फील होती है। पहले शुरुआत में किसी किसी को होती है, किसी को सुबह उठने के बाद आपने योगा किया तो कभी सुबह हमारा शुगर लेवल किसी का लो होता है, और बस आपने उठते ही सिर्फ एक ग्लास पानी पी के आपने योगा कर लिया तो थोड़ी देर बाद आपके शरीर से बहुत पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद ही आपको डिजीनेस लगती है। तो ऐसे व्यक्ति को आप नींबू पानी, शहद के साथ आप पीकर फिर योगा करें तो थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होगा। ओके, हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है तो हमें डिजीनेस लगती है, तो इसलिए वीकनेस लगती है, तो आपको लगता है कि मैं कर रही हूँ इसलिए प्रॉब्लम है, बल्कि उस समय आपका बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है। थोड़ी सी देर अगर हम रुकते हैं, रिलैक्स करते हैं बीच में, तो हम वापस कंटिन्यूएशन में नॉर्मल फील करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि कई लोग, जैसे मुझे है कि मैं पहले वॉक कराऊं या फिर योगा कर लूं, तो अगर मैं वॉक भी करती हूं और योगा भी करती हूं तो मेरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले योगा कि पहले वॉक? आजकल सब लोग अपना समय के हिसाब से आप करिए। पहले योगा का सीक्वेंस के लिए तो पहले सुबह आप पहले फ्रेश होना जरूरी है। कई लोग विदाउट फ्रेश हुए मोशन गए आप योगा शुरू करते हैं, तो ये बहुत गलत है। पहले हमारा पूरा बॉडी का इंटरनल क्लीनिंग होना जरूरी है, पेट एम्प्टी होना जरूरी है। आप पानी पी के नॉर्मल बॉटल लेके आप योगा कर सकते हैं। कई लोग वॉक करने के पहले आप ड्राई फ्रूट्स खा के जाते हैं, बल्कि योगा करने से पहले हमें कुछ खाना नहीं है, हम सिर्फ पानी पी के या नींबू पानी पी के हम योगा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपका खाने पीने का सीक्वेंस क्या है, उस अनुसार आप फॉलो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम बाहर बाहर आप वॉक पे जा रहे हो, धूप से पहले आप करना चाहते हो वॉक तो आप वॉक करके आइए, पर सिर्फ पानी पी के वॉक करने जाइए, आने के बाद आप पानी पी के कंटिन्यूएशन में योगा कर सकते हो। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप मुझे एक चीज और बताएं कि कई बार क्या होता है, हमारे जैसे मोस्टली लोग वर्किंग होते हैं और बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होता है, तो कई बार कुर्सी पे बैठे बैठे आदमी थक जाता है या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करता है या डिजीनेस फील करने लगता है, तो आप उनके लिए कोई योग बताएंगे, कुछ कोई सी छोटी सी एक्सरसाइज बताएंगे कि वो इमीडिएटली उनको इफेक्ट कर जाए, वो स्ट्रेस फ्री अपने आप को फील करें? सर, ऑफिस में बैठे बैठे, हाँ, जैसे बैठे हैं अभी मैं चेयर में बैठी हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी डिजीनेस और स्ट्रेसफुल फील कर रही हूँ काम करते करते, तो इमीडिएट
मतलब अपना स्ट्रेस रिलीज करना है तो कुछ इमीडिएट, अगर आप हम अगर कुर्सी पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, हमें लगता है कि हमें अपने अंदर की एनर्जी बढ़ाना है, यस एनर्जी बढ़ाना, एनर्जी बढ़ाना है, तो हम एनर्जी क्या है, हमारे प्राण है, प्राण को आयाम देना, तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है, ऊपर तक इनहेल करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, फिर पूरा एक्सहेल करेंगे, ऐसे अगर आपने 2 मिनट्स 2 मिनट के लिए कंटिन्यूशन में डीप ब्रीथिंग होल्ड एंड टेक आउट किया तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप इसे करके देखिए। ऑफिस में बैठे बैठे आप बस गहरी सांस लीजिए, पूरा ऊपर तक नाभि से पूरा कंठ तक आपको डीप लेना है, जितना समय लेने में लगाया उतना रोकने में लगाइए, फिर उतना छोड़ने में लगाइए, तो 2 मिनट और आईज क्लोज, आईज क्लोज, आप पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए, 2 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ गया है, मतलब जैसे आप टायर पंचर हो जाता है, हम उसमें हवा भर देते हैं तो टायर फिर से वापस हो जाता है, वैसे शरीर में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को भरना है। ऑक्सीजन कैसे भरेंगे, डीप ब्रीथ इन लेकर, जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो हमें एनर्जेटिक लगेगा। बहुत मुझे लगता है ये यूजफुल टिप रहेगी मेरे हमारे दोस्तों के लिए जिनके बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं वर्किंग आवर्स। तो दोस्तों सीमा जी ने बताया कि जब भी आप ऑफिस में ऐसा फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हो या एनर्जी बिल्कुल कम हो गई है, तो इनका कहना है कि आप आईज क्लोज करके डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट कीजिए तो यू विल फील एनर्जेटिक इनिशिएटिव, राइट। अच्छा, और सीमा जी मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि हमारे योगा अगर हम कर रहे हैं योग का, तो योग का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए डेली अगर हम कर रहे हैं, तो कौन सा आसन किसके बाद, पहले सूक्ष्म आसन करने होते हैं कि हमें पहले सारे जोड़ों का जॉइंट वाले आसन, क्योंकि हमें पूरे जॉइंट्स को पहले खोलना है, ओके, ताकि टो से लेके कंधे तक पहले आप सारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करें, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट आपने फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन कर लिए, डायरेक्ट बैकवर्ड बेंडिंग के आसन कर लिए तो कमर में चर्च लगे, क्योंकि आप डायरेक्ट हम झुक नहीं सकते, फिर ऐसे करने से हमारा शरीर जब गर्म हो जाता है तो अपने आप धीरे धीरे आप फॉरवर्ड प्रॉपर कर पाओगे, बैकवर्ड पूरा मैक्सिमम कर पाओगे और आपको इंजरी नहीं होगी, जर्क नहीं लगेगा। और डायरेक्ट हम आते ही हमने डायरेक्ट कठिन आसन कर लिया तो नेचुरली बॉडी में ट्विस्ट रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले पंजे आगे पीछे घुमाना, घुटने आगे पीछे घुमाना, पंजे घुमाना, कंधे घुमाना, शोल्डर्स पूरे जॉइंट्स से लेके हेड तक सारे जॉइंट्स का मूवमेंट जरूरी है। धीरे धीरे हम आसन को आगे सीक्वेंस में, पहले स्टैंडिंग वाला, सिटिंग वाला, फिर क्रोक पोजीशन में, फिर लाइंग पोजीशन में, इस टाइप से हम करके शवासन में एंड करते हैं। दोस्तों आपको जवाब मिल गया होगा, इनका कहना है कि सबसे पहले हमें सूक्ष्म आसन करने चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, हमको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए योगा के लिए, जिसके लिए हमें टो से लेकर के पूरी हमारी गर्दन तक जितने जो जॉइंट्स हैं उसका मूवमेंट होना चाहिए, उसके बाद स्टैंडिंग पोजिशंस के आसन होने चाहिए, उसके बाद सिटिंग पोजिशंस के आसन होने चाहिए, उसके बाद लाइंग पोजिशंस के आसन होने चाहिए, उसके बाद शवासन होना चाहिए। सही कह रही है, थैंक यू सो मच सीमा जी। अब मैं ये एक और बात जानना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार क्या होता है और सूर्य नमस्कार के हमें कितने वेरिएशंस करने चाहिए एक दिन में, एक कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार बेसिकली ये सूर्य सैल्यूटेशन जैसे भी कहते हैं, सैल्यूटेशन है, मतलब उसको नमस्कार है, तो सूर्य के मंत्र के साथ करते हैं, तो उसके सूर्य के 12 नाम है, ओम सूर्याय नमः, मतलब उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, हर बेसिकली प्रणाम के अलग अलग पोजेस है, पूरे 12 सूर्य जो राउंड करते हैं प्रणाम के अलग अलग पैटर्न, हम हर इसमें सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम के अलग अलग पूरे 12 स्टेप्स हैं, तो ये सूर्य नमस्कार है, इससे हमारे अंदर सूर्य मीन्स हीट बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, आप एक्टिव होते हो, जैसा नाम है वैसा शरीर में एक्टिव होते हो, हीट बढ़ती है, हीट बढ़ना मतलब आपके बॉडी से वेट लॉस होता है, सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं तो हमारा वेट लॉस भी अच्छे से होता है। और आपने इनके पीछे कितने करने चाहिए, एक दिन में कितने करने चाहिए, तो सबके शरीर के अनुसार डिपेंड है, और जो लगातार करता है तो डेली हमको सबसे पहले एक राउंड से शुरू करना है, आपके शरीर के ऊपर डिपेंड है, ये कोई फिक्स नहीं है, हमें धीरे धीरे राउंड बढ़ाने चाहिए। अगर हम ये फर्स्ट डे अगर हम सुनते हैं कि करीना को कुछ 100 राउंड करती है तो मैं भी कर लूँ, तो आप तीसरे दिन या दूसरे दिन आपको बेड पे या बिस्तर पे या हॉस्पिटल में करने को बहुत डिफिकल्ट होता होगा, पर हमें कॉपी नहीं करना चाहिए दूसरों का, बल्कि अपने शरीर की अवस्था को देखना है कि कितने इसमें मैं कंफर्टेबली कर सकती हूँ,
पर ओनली कंफर्ट जोन को नहीं देखना है, धीरे धीरे थोड़ा सा वन स्टेप आगे भी बढ़ना है कि वन राउंड में और करूँ आज, फिर धीरे धीरे एक हफ्ते बाद में एक राउंड और बढ़ाओ। तो ऐसे करते करते हम अपने राउंड बढ़ा सकते हैं, तो आपके शरीर की क्षमता धीरे धीरे बढ़ जाओगी। जैसे आप पहले 3 राउंड में थकते थे, आप करते करते आप 10 राउंड में भी नहीं थकोगे। पर इट टेक्स टाइम, आपको ड्यूरेशन लगेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपकी बॉडी कैपेसिटी आपको बताएगी कि आप सक्षम हो गए हैं इतने 15 राउंड करने में बिना थके। तो आपका क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ गया है, आपका बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और कितना करना है तो आप नेचुरली आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी कि आज 2 काफी है, आज 10 काफी है, मैं अब 10 कर सकती हूँ। तो आपकी बॉडी करती है, और इसे गर्मियों में हम कम कर पाते हैं, ठंड में हम बहुत अच्छे से ज्यादा देर तक कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर में वैसे 2 या 3 राउंड में हीट बढ़ जाती है इसमें जल्दी, और ठंड में हम 10 राउंड भी आसानी से करते हैं क्योंकि इंटरनल हीट इतने जल्दी नहीं बढ़ती है ठंड में। इसलिए गर्मियों में हम कम करें तो बेटर है, क्योंकि शरीर में अदरवाइज हीट बढ़ जाएगी और फिर वो आपको हम ये भी कर सकते हैं सीमा जी कि हम जैसे अगर 5 दिन हम योगा कर रहे हैं तो उसमें हम 2 दिन सूर्य नमस्कार कर ले और 3 दिन योगा कर ले गर्मियों में। तो ये तो हुई हमारी योगा से रिलेटेड बातें। अब हम आते हैं प्राणायाम की तरफ। आप मुझे सबसे पहले ये बताया है, मैं इसको 3 भागों में पूछना चाहूंगी आपसे प्राणायाम का, कि पहली चीज तो प्राणायाम होता क्या है, दूसरी चीज उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और उसका क्या टाइम होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमको टाइम नहीं मिल पाता प्राणायाम के लिए। तो आप मुझे 3 उसमें आंसर दीजिए कि टाइम अगर हम सुटेबल नहीं है, जैसे मॉर्निंग में नहीं कर पाए, तो हम क्या किसी दिन के किसी और प्रहर में कर सकते हैं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण, 2 शब्दों से बना है, प्राण और आयाम, मतलब प्राणों का विस्तार करना इस प्राण। तो आपके जो शरीर के अंदर हम जो कंटिन्यूस सांस लेते छोड़ते हैं, ये आपकी सांसों की कैपेसिटी है, पर प्राणायाम के थ्रू हम गहरी सांस लेकर हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम शरीर के अंदर विस्तार कर रहे हैं किसका, प्राणों का, प्राण यानी ऑक्सीजन। तो शरीर में अगर ऑक्सीजन लेवल का हम बढ़ाएंगे तो हमारे शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और रही अपने सीक्वेंस की बात करी, तो पहले हम वैसे तो आसन करते हैं, आसन के बाद प्राणायाम आता है, क्योंकि आसन करने से हमारा शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर में प्रॉपर हीट उत्पन्न हो जाती है, फिर हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बाद ध्यान करते हैं। तो ये ऐसा सीक्वेंस होता है। प्राणायाम कब करना चाहिए, अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है आसन करने का, तो प्राणायाम कब करना चाहिए? तो प्राणायाम के लिए भी हमें खाली पेट चाहिए सबसे पहला। ऐसा नहीं कि हम खाना खा के हम प्राणायाम करें कि हम अभी फ्री है, या आपने नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लिया और आप प्राणायाम करने बैठ गए, आपको क्या है बस यही तो करना है, इसमें क्या चाहिए पेट खाली की क्या जरूरत है? नहीं, प्राणायाम के लिए भी आपको एम्प्टी स्टमक प्राणायाम करना चाहिए सुबह खाली पेट खुली हवा में, माइंड उससे बहुत फ्रेश हो जाता है। और अगर खाने के बाद अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो कम से कम 4 घंटे का गैप चाहिए। आपने अगर खाना खाया है तो 4-4.5 घंटे के बाद आप प्राणायाम करें। 4 घंटे चलेगा, बस दोपहर के समय जब बहुत ज्यादा हीट रहती है उस समय हम प्राणायाम अवॉइड करें, क्योंकि हमें फ्रेश एयर में करना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप वापस से हीटिंग प्राणायाम करेंगे तो शरीर में और गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए सुबह या शाम के समय हम कर सकते हैं। प्राणायाम रात में भी ना करें, कई बार होता है लोग सोचते हैं कि चलो हमने 6 बजे खाना खा लिया शाम का, अब रात को हम 9 बजे 10 बजे सोने से पहले प्राणायाम कर लेते हैं। नहीं, प्राणायाम अगर आप सोने से पहले करेंगे, कुछ प्राणायाम जो होते हैं जैसे कपालभाति, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये तो शरीर की एनर्जी बढ़ा दी उसने आपकी, और आप एनर्जी बढ़ाने के बाद अगर आप बोले कि हम सोना चाहते हैं तो नहीं सो पाओगे, क्योंकि आपको अब वर्कआउट के लिए उसने तैयार कर दिया। नाउ यू आर रेडी फॉर 8 आवर्स टू योर डू योर डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी थकावट। बहुत अच्छा, आप बता रहे हो, मेरे कई क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे। सिमर जी, मैं एक बात और भी पूछना चाहूंगी, अभी आपने बताया कि अगर आप रात में करोगे तो आप सो नहीं पाओगे, तो कई बार होता है कि मैं खुद फील करती हूँ कि मुझे थकावट नहीं होती है रात में भी, और मुझे लगता है कि मैं काफी देर तक जग लेती हूँ, मतलब मेरी स्लीप बहुत कम रहती है। तो अगर इससे मुझे लगता है कि नहीं मुझे बहुत रेस्ट की जरूरत है और सुबह मुझे कहीं जाना है, सपोज कभी 4 बजे मुझे उठना है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो कौन सा कोई प्राणायाम कोई आसन है जिससे मुझे आराम से नींद आ जाए?
प्राणायाम रात को अगर आपको नींद लाने के लिए करना है तो भ्रामरी प्राणायाम, इसको आप जुकाम में आंख में डाल के जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका अपने साउंड को सुनो, या आप 10-11 बार करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, सब विचारों से हट जाएगा। तो आप ये करोगे, फिर आप शवासन में लेट जाओ, आप ये ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं, इससे भी नींद आने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस ये लगा के आप अगर लेट गए और शवासन कर लिया, या आप अपने सिर्फ सांसों को देखते रहे, जो सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है उसी को आपको काउंट करना है। आप 101 से लेके 101 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग करिए, 101 199 ब्रीद इन ब्रीद आउट काउंट करेंगे। तो ऐसा आपको रिवर्स काउंटिंग करना है, तो आप देखेंगे कि आप 50-60 तक पहुंचने तक आपको नींद आ जाए, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग इसलिए ताकि हमारा उसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि 1-2-3 सीक्वेंस में हमें याद है, हम क्योंकि विचारों के साथ भी 1-2-3 बोल सकते हैं, पर रिवर्स के लिए हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लगता है कि 98 के बाद आपको 97-96 बोलना है। तो रिवर्स के साथ आप काउंट करेंगे, ओनली ब्रीथ को देखना है, विचारों को हटाना है, तो आपको नींद आसानी से आएगी। एक और क्वेश्चन आ गया, अभी आपने मुद्रा की बात करी तो मुझे भी सत्ता बता दें कि मुद्राएं कुछ आप बताएं कि ध्यान मुद्रा कौन सी होती है और योग मुद्रा। योग मुद्रा एक तो आप जैसे इस मुद्रा में अगर रखेंगे, वैसे मुद्रा का अपना एक अलग पास सब्जेक्ट है, इसका कुछ रिलेशन है क्या प्राणायाम और योगा से? आप नहीं नहीं प्राणायाम और योगा से इसका रिलेशन है, आप बस हम जब प्राणायाम कर रहे हैं, हम 15 मिनट्स कर रहे हैं, तो आप इस मुद्रा में आप बैठिए, आपको जो सपोज हमको प्राणायाम करते वक्त आपको इस मुद्रा पे बैठना है, प्राण ऊर्जा आपको बढ़ाना है, प्राणायाम करते वक्त अगर आपको प्राण ऊर्जा बढ़ाना है, मतलब शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, तो हम ये वाला कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि आप 15 मिनट्स कर ही रहे हैं कपाल भाती, तो उस समय आप ये कर लीजिए, कि आपको ध्यान लगाना है तो आप ये वाला कर लीजिए, तो इससे हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और हम सांसों पर भी ध्यान दे रहे हैं, साथ में ये मुद्रा भी बोलिए। मुद्रा इस अपने आप एक अलग थियरी है, मुद्रा करने के लिए हमें कम से कम 45 मिनट कंटिन्यूस आप जो मुद्रा कर रहे हो उसको करेंगे तो इट्स वेरी इफेक्टिव। पर कई लोग इसको 3 भागों में करते हैं कि 15 मिनट सुबह किया, 15 मिनट दोपहर में, 15 मिनट शाम को, तो टोटल 45 मिनट्स वो 3 भागों में करते हैं, बल्कि मुद्रा का इफेक्ट जब होगा जब आप कंटिन्यूशन में 45 मिनट्स करते हैं, दैट टाइम इट इज वेरी। तो आप प्राण मुद्रा अगर हमें शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, तो आप ये वाली मुद्रा करेंगे और आप प्राणायाम आप अपने करते जाइए तो आपका ये लेवल बढ़ेगा। लेमन लैंग्वेज में अगर हम उस चीज को बोलें, जैसे संगा जी ने बताया कि हम अगर मेडिटेट कर रहे हैं, हम ध्यान में जाना चाहते हैं या हम अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी ये सिंपल मुद्रा है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, बस उसके टिप्स को प्रेस करना है, प्रेस करना है, और इस टाइप से आप कैसे भी रख सकते हैं। और अगर एनर्जी लेवल बढ़ाना है अपनी बॉडी में, तो हमारी ये 2 फिंगर्स आएंगी काम, वन इज लिटिल फिंगर, हाँ लिटिल फिंगर के साथ ही हमारी रिंग फिंगर, इनको हमको दोनों को टच करना है थंब के साथ, और ये दोनों सीधे रहेंगे, इंडेक्स और आपकी मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी रहेगी। तो ये 2 मुद्राएं हमारे लिए काफी है, और बाकी हम कभी और फिर विस्तार में बात करेंगे मुद्राओं के बारे में। और एक मैं एक और बात पूछना चाहूंगी, मैं कई बार मैं खुद भी सीखती हूँ, मेरी गुरु है ये योगा की, तो ये हमेशा आप मेरे से बोलते थे कि नहीं इस सीजन में कुछ प्राणायाम वर्जित हैं, दूसरे सीजन में अपन इसमें करेंगे, तो वो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे ताकि मैं दर्शकों को, क्या होता है कि हम लोग जो है आजकल हम मिस्टर गूगल को ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो किसी का हमने देख लिया कि प्राणायाम, किसी का हमने वीडियो देख लिया प्राणायाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपने मुझे बताया था कि शीतकालीन प्राणायाम जो है वो समर्स के अलावा नहीं करना चाहिए, तो आप इस तरीके से और भी होंगे तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा, जैसे शीतकालीन प्राणायाम हम सिर्फ समर्स में करते हैं, मतलब गर्मियों में करते हैं, क्योंकि शीतली और शीतकारी ये अपने आप में कूलिंग प्राणायाम है, ठंडक प्राणायाम है, जो शरीर में ठंडक पहुंचाते हैं, तो हमें इसे सिर्फ गर्मियों में करना चाहिए। ठंड में अगर इसे आप करेंगे तो आपके शरीर में ठंड लग जाएगी, आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसलिए इसको हमें ठंड में नहीं करना चाहिए। और जैसे नॉर्मल जो प्राणायाम है, जैसे कपालभाति है, हम कर सकते हैं, भस्त्रिका है, कपालभाति अनुलोम विलोम हम पूरे साल कर सकते हैं, भस्त्रिका भी जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें नहीं करना चाहिए,
करें तो थोड़ा स्लो तरीके से करना चाहिए, क्योंकि फास्ट अगर करेंगे जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं तो आपके शरीर का आपका बीपी लेवल बढ़ जाएगा। बीपी वालों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, कपाल भाती भी बीपी वालों को सोच समझ के करना चाहिए। कर रहे हैं आप तो स्लो करिए, फास्ट मत करिए कि उनके एक मिनट में वो लोग 100 कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, बल्कि आप बिल्कुल स्लो करिए कपाल भाती भी, अदरवाइज आपका बीपी शूट हो जाएगा, बीपी लेवल आपका। तो बीपी वालों के लिए कोई और प्राणायाम है? बीपी वालों के लिए बेस्ट है अनुलोम विलोम, उज्जयी ब्रीथ। उज्जयी ब्रीथ से बीपी कंट्रोल होता है, हाई है तो लो होता है, लो है तो मीडियम में आता है। तो उज्जयी ब्रीथ इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर बीपी पेशेंट, एंड अनुलोम विलोम भी बहुत इफेक्टिव है, तो आप इससे बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। और शीतली शीतकारी से भी बीपी कंट्रोल होता है, क्योंकि वो कूलिंग प्राणायाम है, तो आपके शरीर में बीपी में आपका हीट लेवल बढ़ गया है, बीपी अगर हाई है नॉट फुल। आप शीतली और शीतकारी करेंगे तो आपका बीपी देख लेना 10 मिनट बाद आप फिर से चेक कर लेना तो काफी कम तो प्लीज बीपी वाले प्लीज उस पे गौर करिए, अगर आपका बीपी कभी बढ़ जाता है तो आप तुरंत शीतली शीतकारी प्राणायाम कीजिए, आपका बीपी 10 मिनट्स में नॉर्मलाइज हो जाएगा। सीमा जी, हाँ एक मैं और क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है भस्त्रिका और कपालभाति में, तो आप मेरे को जरा सा बताओगे कि इसमें क्या डिफरेंस है या कैसे करते हैं? कपालभाति में हम सिर्फ एक्सहेल पर ध्यान देते हैं, मतलब सांस को बाहर निकालने पर ध्यान देते हैं, हमें सांस लेना नहीं होता है, जो अंदर जा रही है वो नेचुरली जा रही है, दैट इज कपालभाति, ओनली एक्सहेल करना है। और भस्त्रिका में हमें इनहेल भी करना है, एक्सहेल भी करना है, छोड़ना सेम है जैसे कपालभाति में पेट अंदर जाएगा, इसमें हम सांस ले नहीं रहे कपालभाति में, नेचुरली जा रही है, पर भस्त्रिका में हमें लेना भी है और छोड़ना भी है वैसे जैसे कपालभाति में। भस्त्रिका भी फास्ट एंड स्लो दो टाइप से करते हैं, जो बीपी पेशेंट है वो अगर कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा स्लो में करना चाहिए, मतलब लेंगे भी छोड़ेंगे भी, पर बहुत प्रेशर से नहीं, बहुत स्पीड में। और सर पेट भी आपका अंदर जा रहा है, आप सांस भी ले रहे हैं, मतलब एक्सहेल जब कर रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है, और इनहेल कर रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। आपने इनहेल किया जी, तो एक्सहेल भी इनहेल किया तो पेट फूलेगा, एक्सहेल किया जब अंदर जाएगा। कपालभाति आप जब करते हैं तो पेट अंदर जाता है, हम सांस को बाहर धकेल रहे हैं, पर भस्त्रिका में आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इसमें दोनों प्रोसेस होता है। बस बीपी वाले इसमें स्लो करिए, और नॉर्मल लोग अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा एनर्जी बर्न होता है, वेट लॉस के लिए भी वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है नॉर्मल लोगों के लिए। और मैं दूसरी बात ये पूछना चाहूंगी सीमा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी दूसरी बात कि कई रोगों के लिए डिफरेंट आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि कुछ रोग होते हैं जैसे बहुत कॉमन है, आपका लाइफस्टाइल डिजीज डायबिटीज है, आपका बीपी है, किसी को थायराइड है आजकल, तो इन लोगों के लिए कुछ आसन आपने एक बार मुझे बताया था कि डायबिटीज के लिए तो मंडूक आसन होता है, और बीपी के लिए उसके अलावा मंडूक आसन के अलावा भी कोई आसन होता है? डायबिटीज में हमें लीवर पैनक्रियाज किडनी इन सब की फंक्शन बढ़ाना है, तो सिर्फ एक आसन से हम कोई डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकते, हमें सीक्वेंस ऑफ आसन चाहिए, साथ में हमें प्राणायाम की सीक्वेंस भी चाहिए, तभी हम कोई रोग को ठीक कर सकते हैं। तो सपोज आप थायराइड के लिए पूछ रहे हैं तो थायराइड के लिए सर्वांगासन भी बहुत इफेक्टिव है, सर्वांगासन, सुप्त वज्रासन, चक्रासन, उष्टासन, जिसमें हमें गले पर आपका पूरा प्रेशर पड़ता है, तो एक आसन ये पूरा सीक्वेंस ऑफ आसन है, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड पर आपको प्रेशर पड़ता है, साथ में आप उज्जयी ब्रीथ करेंगे तो हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होंगे और थायराइड के फंक्शन बढ़ेंगे, तो हमें मेडिसिन कंट्रोल में रहेगा। वैसे एक प्राणायाम का सीक्वेंस आप मतलब बता सकती हैं कि मतलब किससे शुरू करना चाहिए और किससे खत्म करना चाहिए प्राणायाम का सीक्वेंस? प्राणायाम का सीक्वेंस तो पहले हम आसन करेंगे, अगर हम आसन नहीं करते हैं डायरेक्ट आप प्राणायाम करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथिंग करिए, डीप आउट करिए एटलीस्ट 20 टाइम्स,
क्योंकि हम आसन करते हैं तो 40 मिनट्स अगर हम आसन कर रहे हैं तो आसन में हम ऑलरेडी हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि हर आसन में हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा वो हो रहा है। और अगर आप डायरेक्ट प्राणायाम करने बैठ रहे हैं तो फर्स्ट आपको नॉर्मल ब्रीदिंग डीप ब्रीथ इन डीप आउट आपको करना है। पहले आप पूरी आराम से गहरी सांस लीजिए, आप रोक सकते हैं तो उसको रोकिए भी, और पूरा गहरी छोड़िए। तो 21 टाइम्स आप ये करेंगे तो क्या होगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और फिर आप प्राणायाम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति इज हीटिंग प्राणायाम, ये शरीर में एक्टिविटी को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम इज रिलैक्सिंग प्राणायाम, क्योंकि इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है, फिर इसके बाद आपको ऐसा दूसरा कुछ करने का मन नहीं होता है कि यस नाउ इट्स फिनिश। तो आप उसके बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं, फिर उसके बाद शीतलिंग शीतकारी स्टेप से। तो हम शुरू किया हीट से, खत्म किया कोल्ड से। दर्शकों से क्षमा चाहूंगी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था जिस कारण की अप्रांतली लाइव बंद हो गया। तो हम बात कर रहे थे सीमा जी प्राणायाम का, तो प्राणायाम के सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो आप एक बार फिर से बता दीजिए सीक्वेंस। आपने पहले बताया कि डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 21 टाइम्स, उसके बाद आपने बोला कि कपाल भाति कीजिए, उसके बाद अनुलोम विलोम विलोम, उसके बाद शीतली और शीतली शीतकारी अगर नहीं करनी है तो ब्राह्मणी कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो कितने सेट्स होने चाहिए और अनुलोम विलोम का तरीका क्या होना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, सब लोग कहते हैं कि हम अनुलोम विलोम तो हम करते हैं पर हमें कोई फायदा नहीं होता। हाँ, तो अनुलोम विलोम सबसे पहले हमें कम से कम 10 मिनट तो करना ही चाहिए। अच्छा, नहीं कि आपने सिर्फ 2-3 बार आपने बस इधर से उधर उधर से इधर आपने ब्रीथ कर लिया, बोले हम तो करते हैं, आधा ध्यान आपका इधर है, इधर कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, इधर सांस छोड़ रहे हैं, इधर से बात कर रहे हैं, इधर सांस छोड़ रहे हैं। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एटलीस्ट 10 मिनट्स आप करिए, और 10 मिनट्स भी विदाउट ब्रेक। ऐसा नहीं कि कई लोग होते हैं 2 बार अनुलोम विलोम कर लिया, 2 राउंड फिर कपाल भाति कर लिया, फिर कपाल भाति में थक गए तो अनुलोम विलोम कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं। कपाल भाति कर रहे हैं तो कंटिन्यूस कपाल भाति करिए, अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो कंटिन्यूस अनुलोम विलोम करिए विदाउट एनी ब्रेक एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। और अनुलोम विलोम में डीप ब्रीथ इन लेना भी जरूरी है, अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सांस ले रहे तो इट्स नॉट अनुलोम। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नाभि से गले तक, पूरा जो हमने बोला ना कि प्राणायाम करने से पहले आपको ब्रीथ जैसे लेना था 21 टाइम्स, डीप ब्रीथ इन सेम ब्रीदिंग टेक्निक अनुलोम विलोम में भी आपको फॉलो करनी है। आपको पूरा नाभि से गले तक गहरी सांस भरना है। आप उसको फिर रोक सकते हैं तो रोकेंगे, जितना समय लेने में लगाया सांसों को उतना समय रोकने में लगाएंगे, उतना समय छोड़ने में लगाएंगे, बल्कि छोड़ने में हम डबल टाइम भी लगा सकते हैं। और अनुलोम विलोम के साथ हम एज अ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन मीन्स अलग से आपको मेडिटेशन के लिए बैठना नहीं है, कोई भी कार्य आप ध्यान पूर्वक करें दैट इज अ मेडिटेशन। तो अगर अनुलोम विलोम में हम अगर काउंटिंग के साथ करते हैं, जैसे हमने काउंटिंग के साथ मतलब 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 5 ओम तक आपने सांस ली, फिर 5 ओम तक बोलने तक आपने सांस रोकी, फिर आपकी कैपेसिटी छोड़ने की बड़ी हुई है तो हम 10 ओम तक सांस छोड़ेंगे। आपकी फिर छोड़ने के बाद भी होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आप 5 ओम तक होल्ड करें। तो ऐसे हाँ, ये ऐसे इसमें भी टेक्निक कि हम लेने के बाद भी रोक सकते हैं, छोड़ने के बाद भी रोक सकते हैं, पर डायरेक्ट हम इस स्टेज पर नहीं आ सकते हैं। पहले नॉर्मल हम पूरा घेरी लेंगे, घेरी छोड़ेंगे, घेरी लेंगे, घेरी छोड़ेंगे। आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लेने के बाद होल्ड करेंगे, पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम फिर छोड़ने के बाद भी होल्ड करेंगे, क्योंकि छोड़ने के बाद होल्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट। लेने के बाद आप फिर भी होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ को, पर छोड़ने के बाद होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। तो मेडिटेशन अनुलोम विलोम का यही टेक्निक है कि आपको डीप ब्रीथ करना है और बिना आवाज के। कई लोग आवाज करते हैं, बहुत आवाज आती है कि आप वाकई में सांस ले रहे हैं। नो, आपको बिना सांस की आवाज के आपको करना है, तभी आप उसका आपका ध्यान लगेगा और तभी आप गहरी ले पाओगे। तो आपको आवाज में करना है, आपको कंटिन्यूशन में करना है,
और आपको कंटिन्यूएशन में 10 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक कॉन्सेंट्रेशन के साथ और आप काउंटिंग के साथ करेंगे जितना समय 1:1:1 का रेशो करिए या 1:2:2 का रेशो करिए, मतलब जितना समय लेने में लगा उतना रोकने में उतना छोड़ने में या धीरे धीरे। मुझे याद है सीमा जी ने मुझे स्टार्टिंग में जब 3-4 साल पहले की बात है जब हम लोग ने शुरू करा था तब आपने मुझे बताया था कि इतना धीरे लेना है कि एक चिड़िया के पर की आवाज भी नहीं आए उतनी भी आवाज नहीं आनी चाहिए आपको एक्सहेल करने में इनहेल करने में। सही याद है ना। अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूंगी, अभी हम कोरोना काफी है, हम सभी लड़ रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, तो उसमें बहुत चीजें आ गई हैं कि हमारे इम्यूनिटी लेवल का भी एक स्ट्रेस आ गया है हमारे ऊपर, है ना, कि इम्यूनिटी लेवल अपना एनहांस करिए, बच्चों का एनहांस करवाइए, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे कि हम कौन सा प्राणायाम या कौन सा आसन ऐसा होना चाहिए जो हम करें। और साथ में मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, जो मेरे बच्चे हैं घर में 10 साल के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ खेल खेल में कुछ बता सकते हैं हम लोग जो उनकी इम्यूनिटी को। कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करता है, राइट, है ना, आपकी लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, नीचे नहीं करता है, नीचे पेट में और इंटरनल ऑर्गन्स के इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि स्टमक में हमारा एसिड होता है तो वो एसिड उसको बर्न करते हैं, तभी हम बोलते हैं कि हमें बार बार वो एसिड से सैनिटाइज और ये सब करना है कि वो वायरस खत्म हो। पर यहाँ पर हमारा कोई एसिड नहीं है इसलिए वो जो वायरस है हमें यहाँ पर इफेक्ट, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनल क्लींजिंग के हिसाब से जल नीति भी बहुत इफेक्टिव है। आप जल नीति करिए तो आपका क्या होगा, नोज क्लीनिंग हो जाएगा प्रॉपर। आप नेचुरली जल नीति करेंगे तो पूरा आपका इंटरनल क्लीन हो जाएगा। हम फिर कुंजल क्रिया कर सकते हैं ताकि हम पानी भर के पूरा यहाँ तक भरेंगे और फिर हम पूरा वॉमिटिंग करेंगे तो आपका लंग्स भी पूरा कंजेशन और ये सब क्लियर हो जाएगा। जल नीति हम रोज कर सकते हैं, डेली आप डेली जल नीति कर सकते हैं, कुंजल क्रिया भी डेली कर सकते हैं। जल नीति करने से हेडेक इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है आप नीति करते करते आपने सांस ले ली और आपका पानी अंदर चला गया, या फिर आपने पानी को ठीक से ग्लो नहीं किया, आपने पानी अंदर हल्का सा भी अंदर रह गया है आपके नाक में या ऊपर सिर में चढ़ गया तो आपको हेडेक होना पड़ेगा। इसलिए आपको जल नीति करने के बाद पानी को प्रॉपर तरीके से ब्लो करके बाहर निकालना है ताकि अंदर एक भी बूंद पानी ना, और एक दो दिन के प्रैक्टिस से सही हो जाता है, फिर डेली आप करोगे तो आपको ये सब नहीं होगा। फिर कोरोना के लिए हमें सबसे बेस्ट अभी प्राणायाम है, जैसे हमें कपालभाति करना चाहिए, वो भी अच्छा, ऐसा नहीं कि 2-3 राउंड से कुछ नहीं, आपको एटलीस्ट 15 राउंड कपालभाति करेंगे, 10 मिनट्स अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी इन्हीं चीजों से बढ़ेगा। जल नीति, कुंचन, प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम और उच्चय भी क्योंकि हमारे गले पर इफेक्ट करता है कोरोना, तो उच्चय भी अगर हम गले को कॉन्ट्रैक्ट करके उच्चय भी हम करेंगे तो ये भी हमें इफेक्ट करता है। इसलिए ये सारे प्राणायाम आपको करना है तो आपके ऊपर वायरस का इतना इफेक्ट नहीं होगा, और बाय चांस हो भी गया तो आप अच्छे दिन में ठीक हो जाओगे, आप घर आ जाएंगे। और अगर आपको इफेक्ट हो भी गया तो आप फर्स्ट डे से हॉस्पिटल में रहने के बाद भी हम यही सारे प्राणायाम कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आफ्टर इफेक्ट में आप ये नहीं कर सकते, ड्यूरिंग कोरोना पेशेंट आप अगर है तो हम इन प्राणायाम को अगर कंटिन्यू करें तो आपको ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी ना आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, बस आप क्वारंटाइन में रहकर जल्द से जल्द ठीक हो जाए सिर्फ प्राणायाम करने से और ये जल नीति कुंजल और ये सब करने से। और कभी आपको लगता है कि हम कभी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ गए हैं या कोई जो उनके संपर्क में आया था हम उनके संपर्क में आ गए हैं तो आप कंटिन्यूस तभी से गर्म पानी पीना शुरू करें ताकि पानी के थ्रू डायरेक्ट नीचे चला जाए, कुंजल कीजिए एक दो बार दिन में ताकि बाहर निकल जाए, तो इससे क्या होगा आपको इफेक्ट नहीं करेगा और आप प्राणायाम थोड़ा सा उस दिन ज्यादा कर लीजिए तो वो आपको वायरस इफेक्ट नहीं करेगा।
बहुत अच्छी बात बताई, और आज के समय के हिसाब से आपने बात बताई, जरूर मैं भी कोशिश करूंगी कुंजल करने की, क्योंकि कुंजल थोड़ा सा मुझे हमेशा डिफिकल्ट लगता है। और एक आखिरी सवाल और पूछूंगी मैं कि आप योगा से रिलेटेड कोई डाइट बता सकती हैं, किसी का खाना, क्योंकि कई लोग नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, तो क्या ये नॉन वेज खाना अफेक्ट करता है योगा में या कुछ, या क्या डाइट क्या होनी चाहिए बेसिकली योगा? डाइट तो हम ज्यादा फ्रेश खाना खाना है योगा में, वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, एक्स्ट्रा पका हुआ नहीं खाना है, फ्रेश मतलब बस अभी बनाया और अपने अभी खाए, दिस इज योगिक डाइट। आपको कोई पुराना बासी मैदा शक्कर ये सब चीजें नहीं खानी, दैट इज योगिक डाइट। और सूरज का फॉलो करना, जो जैनिज्म की डाइट होती है सेम दैट इज योगा डाइट, वो सूरज के साथ उठते ही आपको नाश्ता करना है सुबह 7 से 8 बजे तक, और खाना शाम को आपको 6 साढ़े 6 बजे जल्दी खाना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है, दैट इज योगिक डाइट। ये जो जैनिज्म डाइट है आप वो ही अगर फॉलो करोगे तो दैट इज योगिक डाइट। तो आपको सूरज के साथ चलना है, तभी आपका जो खाना है वो पचता भी है और आपको कभी भी गैस एसिडिटी क्रिएट नहीं करता है, चाहे आपने कभी खा लिया हो, पर अगर इस पैटर्न से अगर खाते हैं आपने घी तेल भी खाए तो वो सब इस दिन के दिन पे आपने खा लिया तो आपको पच जाएगा, आपको शरीर में जमेगा नहीं। हम लेट खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, लेट खा के सोते हैं, तो उसी से हमारा शरीर में रोग उत्पन्न होता है, तो हमें खा के सोना नहीं है, 4 घंटे का गैप चाहिए, और पानी को फॉलो करना है कि खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पीना है, खाने के आधा घंटे पहले पीना है, तो पानी का नियम फॉलो करो, खाने का फ्रेश चीजें फॉलो करो कि आप फ्रेश अचार पापड़ ये सब पुरानी चीजें आप अवॉइड करो, फ्रेश यानी जो अभी तुरंत पकाया तुरंत खाया, ज्यादा भी पकाना नहीं है, और सीजनल वेजिटेबल एंड सीजनल फ्रूट्स को आप लीजिए, ना कि जो स्टोर रहता है वो चीजें भी नहीं, जो जिस सीजन में आप आ रहे हैं, अभी आम के सीजन में आप अभी आम खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेंगे, पर गर्मियों में आप स्टोर आम खाएंगे तो आपको बहुत नुकसान करेंगे, सर्दियों में अगर आप खाते हैं तो आप सीजन के साथ चलिए, सूरज के साथ चलिए, प्रकृति के साथ चलिए, दैट इज योगा डाइट। और सीमा जी एक और क्वेश्चन एकदम से ध्यान में आया कि कई बार जैसे हमने पहले भी बात करा था कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आने में हम लेट होते हैं, नेचुरली हमारा खाना भी बहुत डिले होता है, तो आप मुझे ऐसा याद है कि आपने एक बार हम लोगों को बताया था कि खाना खाने के बाद एक आसन ऐसा होता है जो आप करिए तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को भी बताइए कि किस कौन सा वो आसन है, किस पोजीशन में बैठना चाहिए कि हमारा जो खाना है जो इजी है और जो से बहुत डिफिकल्ट होता है वो बहुत अच्छे से याद रखती है कि हाँ हमको ये करना है। मैं ऐसी ही चीजें खींचती हूँ, स्मार्ट होनी चाहिए जो कि आपको 2 मिनट में करा और आपकी बॉडी को लग जाए। डाइजेशन फास्ट हो जाता है क्योंकि हमें शरीर में जो ऊर्जा है पूरा खाना बचाने में लगती है, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं तो खाना इससे जल्दी पचता है। दर्शकों आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर डाइट के बाद जो भी हम लंच ले रहे हैं या डिनर ले रहे हैं कोशिश करें कि खासतौर से डिनर की मैं बात करूंगी क्योंकि मोस्टली आजकल हमारा लेट हो जाता है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे हो गई, तो आप अगर 15 मिनट्स के लिए वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाते हैं तो आपका खाया पिया सब हजम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही विदा लेते हैं हम सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जब आपके सामने आने की पेशकश करती हूँ आप हमेशा सहजता से उसको स्वीकार कर लेती, और भविष्य में मैं चाहूंगी आपके साथ एक आध मैं रोगों को डिस्कस करूँ योग और कुछ लोगों के बारे में करना चाहूंगी, और साथ ही मैं एक आपके साथ सुजोग का भी करना चाहूंगी, जो आमतौर पर हम तो सुजोग मतलब नॉर्मल लाइफ में डे टू डे लाइफ में जब भी कभी हो जाता है पेट दर्द हो गया है कुछ, तो उस
उसके लिए हमसे जो कैसे सहायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।